Good morning students, welcome to Maths class standard 3rd. We will going to our next chapter, chapter 3. Revision ही कर रहे हैं हम, तो जो main topic है उसका ही हम revision कर रहे हैं, okay? तो chapter 3 का revision करेंगे give and take में. तो give and take में जिसमें आपको problem हो रही है वैसे topic का ही हम revision करेंगे, okay? तो जैसे होती है empty space वाला, filling the empty space. टॉपिक है हमारा फिल इन द एम्प्टी स्पेस. ओके, एम्प्टी स्पेस फिल करनी, तो उसमें है जैसे फर्स्ट 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, प्लस 34 प्लस डैश is equal to 57. Okay, 34 dash is equal to 57. तो यहाँ पे ये मीडियन नंबर आपको फाइंड करना है. आप लोगों वर्कशीट में मैं बोलूँ ना कि हंसू या रो, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इस तरह से आप लोग ये फील कर रहे हो. यहाँ पे हमें मीडियन नंबर फाइंड करना है कि बीच में क्या आएगा. ओके, तो हम जब मीडियन नंबर फाइंड करना है ना, तो ये दो नंबर को हमें सबट्रैक कर देना है, तो हमें वो आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमें करना है 57 माइनस 34. ओके, 7 माइनस 4 करना है, तो 4 है तो 5, 6 एंड 7 दैट मींस 3, 5 माइनस 2 करना है, 5 माइनस 3, 3 के बाद आता है 4, तो 4 एंड 5 दैट मींस 2, तो यहाँ पे 23 आंसर आएगा. अभी आपको और भी कुछ क्वेरी लग रही है तो हमें चेक कर लेना है हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, वो चेक करना है. तो क्या करना है, ये दोनों को प्लस करके देख लो, 34 प्लस 23, 4, 5, 6 एंड 7, 3 प्लस 2, 5, 57 आंसर आ गया हमारा, दैट मीन्स हमारा ये आंसर राइट है. एकदम ही इजी है, बट आप लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोगों ने इसमें बहुत सारी मिस्टेक की थी ये वाली. ओके, तो जब हमें मीडल का नंबर फाइंड करना है तो हमें इसके साथ सबट्रैक्ट करना है, लास्ट इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर है उसके साथ फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, एंड हमें हमारा ही आंसर रीचेक करना है. तो हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करके देख लेना है कि 57 आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो आ रहा है, दैट मीन्स राइट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं, डैश प्लस 46, टू नंबर डैश प्लस 46 इज इक्वल टू 82. ओके, अभी यहाँ पे भी ये मिडिल नंबर हो या ये नंबर हो, हमें लास्ट वाला नंबर लिया है तो हमें ये दोनों नंबर को सबट्रैक्ट कर लेना है, तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा. ओके, 82 माइनस 46. अभी 2 माइनस 6 होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई हम करेंगे बोरो. 8 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 7, एंड देन ऑलवेज हम कितना बोरो करते हैं, 10. 10 प्लस 2 दैट मींस 12. 12 माइनस 6 करना है हमें, 6 नीचे है तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 7 से. 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितने मेरी फिंगर, 5 एंड 6, तो यहाँ पे आएगा 6. देन 7 माइनस 4, 4 है तो 5, 6 एंड 7, तो ये है 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3. दैट मीन्स 36 प्लस 46. अभी हमें चेक कर लेना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. तो 36 प्लस 46, 6 प्लस 6 तो हो जाएंगे 12. 6 प्लस 6 तो 12. 12 का नीचे 1 होगा, ऊपर कैरी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8. तो 82 आंसर आया, दैट मीन्स हमारा ये आंसर राइट है. ओके, नेक्स्ट 3 नंबर हम देखेंगे. 3 नंबर में 73 माइनस डैश 73 माइनस डैश
रिमाइंडर नंबर फाइंड करना है, इज इक्वल टू 10, तो कितना आएगा। ओके तो हमें 73 माइनस 10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 73 माइनस 10, यहाँ पे 3 के नीचे 0 है तो सीधा 3 का 3, 7 माइनस 1 करना है, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 कितना है 5 एंड 1 6, यहाँ पे 6 दैट मींस यहाँ पे आंसर आएगा 63। अभी हम हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, 73 माइनस 63, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 6 1, तो 10 आंसर आ गया, दैट मींस हमारा ये आंसर राइट है। ओके फोर नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, डैश माइनस 4, डैश माइनस 46 इज इक्वल टू 42। ओके अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर फाइंड करना है और सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे आप 46 माइनस 42 करोगे तो बचेगा सिर्फ 4, तो 4 माइनस 46 इज इक्वल टू 42 आएगा नहीं, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 46 प्लस 42 तो 6 प्लस 2 तो 7 एंड 8, ओके एंड 4 प्लस 4 तो कितने हो गए 8, ओके तो यहाँ पे आएगा 88 माइनस, हम चेक कर लेते हैं 88 माइनस 46 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 करेंगे तो 7 एंड 8 दैट मींस 2, यहाँ पे कितना बचेगा 2, अभी 8 माइनस 4 करेंगे तो 5 6 7 एंड 8 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 दैट मींस 42। तो अभी आंसर देखो हर जगह पे माइनस हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे 88 माइनस 46 इज इक्वल टू 42, मतलब फर्स्ट जब सबट्रैक्शन में फर्स्ट नंबर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है तो हमें सेकंड एंड उसका आंसर जो है उसे ऐड करना पड़ेगा। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम करते हैं, आप इतना लिख लीजिए फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे। अभी इसको हम करेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर फाइंड
ये दोनों को प्लस करेंगे तब ये आंसर आएगा। और ये वाला जो आंसर होता है सबट्रैक्शन में, जब ये नंबर दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करोगे तब ये आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे नंबर जो है वो लेस जाता है, कम होता है, एंड यहाँ पे जो नंबर है वो आगे जाता है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, ओके, मतलब बढ़ता है, ओके। तो यहाँ पे अब मैंने 83 माइनस 50, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ओके। 3 के नीचे 0 है तो 3 का सीधा 3 आएगा, 8 माइनस 5 करोगे तो 5 है, तो 6, 7 एंड 8 कितने हैं, 3, ओके। तो यहाँ पे आएगा 33, ओके, यहाँ पे आंसर आएगा 33। तो चेक कर लेते हैं, 33 प्लस 50 इज इक्वल टू, 3 के नीचे 0 है तो सीधा 3, 3 प्लस 5 तो 3 में 5 ऐड करना है तो 6, 7, 8, 9 एंड सॉरी 5 में 3 ऐड करो तो 6, 7 एंड 8, ओके, तो 83। यहाँ पे 83 हमारा नंबर मैच हो गया है, ओके। तो ये एकदम ही सिंपल सी मेथड है, आपको सिर्फ समझना है, मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आपको अपने घर पे करना है, ओके। हम दो दो पीरियड लेके रिवीजन करते जाएंगे, ओके। फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा वेयर टू लुक फ्रॉम, वो मैंने आपको डिजिटल में दिखा दिया था क्योंकि वो एकदम ही सिंपल सा चैप्टर था, ओके, कि हम कौन सी चीज कहाँ से देखते हैं। फिर चैप्टर टू के हमने टू रिवीजन के पीरियड ले लिए, अब हम चैप्टर थ्री का रिवीजन स्टार्ट किया है आज हमने। जो मेन मेन टॉपिक है जिसमें आप लोग को मिस्टेक हो रही है वो वाला टॉपिक ही हम करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे है एड एज पर, आज का नया टॉपिक है एड एज पर टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस, ओके। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही आप लोग मिस्टेक करते हो। तो एड एज पर टेंस एंड वंस ऐड करना है, बट टेंस एंड वंस को अलग करके, ओके। तो मैं यहाँ पे जस्ट फर्स्ट 73 प्लस 24, ओके। यहाँ पे अभी 73 है एंड 24 है, ओके। तो 73 में टेंस कितने हैं एंड वंस कितने हैं, तो टू डिजिट का नंबर है ये, टेंस है एंड वंस है, दैट मीन 70 में 10 कितने हैं, कितने 10 है तो 7 10 है, एंड वंस कितने हैं तो 3 1s है, ओके। तो हम 73, दैट मीन्स 70 प्लस 3, ओके, 73 दैट मीन्स 70 प्लस 3, देन ये जो प्लस है वो उसे रख देना है। देन अभी 24, तो 20 में 10 कितने हैं, 2, दैट मीन्स 20 प्लस 4। अभी हमें क्या करना है, पहले टेंस को ऐड कर देना है, टेंस को ऐड कर देते हैं, ओके। यहाँ पे भी 0 0 है ना, तो हमें ऐड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। 7 प्लस 2 करो, 7 प्लस 2 करो, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 8 एंड 9 9 हुआ। देन 0 है दोनों जगह पे तो सीधा 0 आ जाएगा। फिर प्लस, मतलब 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट अब हमें वंस को प्लस ऐड कर देना है, वंस को ऐड करना है तो 3 प्लस 4 करेंगे तो 3 है, 4 फिंगर में ले लो, 5 6 7 7 आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा 7। तो 90 प्लस 7 तो इज इक्वल टू 97, 90 प्लस 7 इज इक्वल टू 97। तो ये एड एज पर टेंस एंड वंस, तो आपको पहले जो भी नंबर है उसमें से टेंस एंड वंस को अलग करना है, देन उसको ऐड करना है। पहले टेंस को ऐड करो, देन वंस को ऐड करो, एंड देन ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो 73 दैट मीन्स 70 प्लस 3, 24 दैट मीन्स 20 प्लस 4, फिर 70 एंड 20 को ऐड करो, देन 3 एंड 4 को ऐड करो, 70 प्लस
जाएगी, बट आप ट्राई भी नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 44 प्लस 32, ओके। अब हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, तो 40 है तो 40 प्लस 4 प्लस 30 प्लस 2, 44 है तो 40 प्लस 4, 32 है तो 30 प्लस 2 तो 32 हुआ, बट हमने उसे क्या किया, उसका टेंस एंड वर्ब्स अलग कर दिया, ओके। अब हम पहले टेंस को ऐड करेंगे, तो 40 प्लस 30 तो 4 प्लस 3 4 5 6 एंड 7 तो 70 हुआ, देन प्लस अभी हम 4 प्लस 2 कर देंगे, ओके। 4 प्लस 2 तो 5 एंड 6 तो यहां पे आएगा 6। अभी 70 प्लस 6 दैट मींस 76, ओके, दैट मींस 76, ओके। तो इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है अभी भी आपको, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको इजी होता जाएगा। अभी मैं जैसे नेक्स्ट लिखूंगी ना, आप वीडियो स्टॉप कर देना एंड अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, ओके। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई मत करो, बस उतारते जाओ, उतारना नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैम ने ये एक्सप्लेन कर दिया, मुझे समझ में आ रहा है, तो क्या करो, वीडियो स्टॉप करो एंड देन नेक्स्ट टर्म जो है अपने आप ट्राई करो, ओके। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। Number
रखेंगे, ओके। थर्टीन माइनस सेवन करना है, सेवन है तो काउंटिंग कहाँ से
13, 13 पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि ऊपर 13 है, ये कितने हैं 5 एंड देन 1, यहां पे आया 6, 5 प्लस 1 6। अभी 8 माइनस 3 करना है तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है हमें, 4 से, ओके 4 5 6 7 8, स्टॉप हो जाना है 8 पे क्योंकि ऊपर 8 है, तो ये कितने बचे 5, ओके यहां पे आएगा 5, तो 56 आंसर क्या आया 56। ओके तो इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स इस चैप्टर में भी है जो सेकंड चैप्टर में भी थी, ओके सेकंड चैप्टर में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन आंसर थे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये अल्टरनेट होता है आपको क्वेश्चन समझ के प्रॉपर्ली करना होता है। ओके तो आज का ये रिवीजन यहीं पे स्टॉप कर रहे हूं, नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।